गणधर केवल ज्ञानी नहीं होते, तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञानी होते। अपने यहाँ जैन धर्म में दो ही लोगों का वर्णन मिलता है, गणधर और तीर्थंकर भगवान। यदि ये दो नहीं होते तो जैन धर्म नहीं होता। जो गणधर होते हैं वह जिनेन्द्र भगवान की वाणी को गूंथते हैं। गणधर गूंथे वारह सुअंग। गूंथना क्या होता है, कैसे गूंथते? आटा है क्या कि गूंथ दिया? क्या होता है? गणधर गूंथे वारह सुअंग। कैसे गूंथा जाता है वाणी? ग्रहण करने को गूंथना थोड़ी बोलते। गणधर गूंथे वारह सुअंग। अब हम आप मेरे प्रवचन सुन रहे तो गूंथ थोड़ी रहे हो, सुन रहे हो। सुनने को नहीं बोलते गणधर। भगवान का ज्ञान अनंत है। केवल ज्ञान कितना है? अनंतानंद या सर्वाणि चरा चराणि विधवत द्रव्याणि ते साम गुणा पर्यायानपि भूत भाव भविता सर्वान सदा सर्वदा। जितने भी सकल विश्व में पदार्थ हैं उनकी भूतकाल वर्तमान काल भविष्यकाल सभी पर्यायों को गुणों को एक साथ जो जानते देखते हैं युगपत, वह केवल ज्ञानी होते। भगवान का ज्ञान तो अथाएं हैं, असीम है, कोई थाए नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सागर की बूंदों को गिना जा सकता है लेकिन भगवान के ज्ञान को नहीं। ज्ञान अनंतानंत ले, अनंतानंत ज्ञान। सागर की तो सीमाएं हैं ना, चौपाटी पे सीमाएं मिल जाती हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान की कोई सीमा ना ओर है ना छोर है, ऐसा केवली भगवान का ज्ञान। अब इतना बड़ा ज्ञान और आप और हमारे जैसे लोग कितना ग्रहण करेंगे? हम एक घंटे प्रवचन करते हैं, कितनी बातें याद रहती हैं? दो चार छः एक दो, ज़्यादा तो नहीं रहती। तो भगवान ने जितना जाना उसका एक अंश दिव्य ध्वनि में बताया। कितना? जितना जाना उसका एक अंश दिव्य ध्वनि में बताया। जितना भगवान ने एक अंश बताया उसका एक अंश गणधर ने सुना। अब सोचो ज्ञान कितना है। उसका एक अंश गणधर ने सुना। जितना एक अंश गणधर ने सुना उसका एक अंश गूंथ पाए, और जितना उन्होंने गूंथा उसका एक अंश वह श्रुत केवलियों को दे पाए। जितना श्रुत केवलियों ने गणधर से सुना उसका एक अंश याद रख पाए। जितना उनने याद रखा उसका एक अंश अंग पाठियों को दिया। अंग पाठियों ने जितना सुना उसका एक अंश आचार्यों को दिया। आचार्यों ने जितना सुना उसका एक अंश लिख पाए, और जितना उनने लिखा उसका एक अंश भी हम नहीं जानते। समझो ज्ञान कितना विशाल है भगवान का। मालूम है एक सभा लगी है राजा की, राजा सिंहासन पर बैठा है, सभासद सब बैठे हुए हैं। एक बर्फ का टुकड़ा आया सबसे आखिरी वाले राजा से, सभासद से। उसने बर्फ का टुकड़ा लिया, बाजू वाले को दिया, बाजू वाले ने दूसरे पार्षद को दिया, दूसरे पार्षद ने तीसरे पार्षद को दिया। ऐसा पहुंचते पहुंचते आधा दिन हो गया। अब बताओ बर्फ कितना बचा? इसको दिया, उसको दिया, बर्फ घुलते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। राजा के पास पहुंचते पहुंचते वह बर्फ
इतना बचा कि उसकी हथेली से हाथ गीले कर ले, बाकी पूरा बर्फ तो रास्ते में ही खत्म हो गया। ऐसा भगवान का ज्ञान है, अपने पास जितनी जिनवाणी है वो हाथ गीले करने लायक है, ज्यादा नहीं है, और उसमें से दो चार चीजें अपने को आ गईं तो ऐसे अकड़े फिरते हैं कि हमसे बड़ा केवल ज्ञानी कोई और। हम तो बहुत आता, हमको तो बहुत शास्त्र का ज्ञान है, दो अक्षर भी ज्ञान नहीं है, इतना विशाल है वह केवल ज्ञान। अब उनके इतने बड़े विशाल ज्ञान को गणधर कैसे गूंथे? भगवान की जो वाणी है वह निरक्षरी है, अक्षर नहीं है, समझ में आ रहा? भगवान की वाणी भाव आगम है, भगवान की वाणी में जो खिरती है वह जिह्वा से नहीं खिरती है, पूरे अंग अंग से समोसरण में भगवान की वाणी खिरती है, और उस भावों को समझ के गणधर भगवान उन भावों को उन अर्थों को शब्द प्रदान करते हैं। क्या करते हैं भाव को? क्या अपन लोग क्या करते हैं? शब्दों से भाव लगाते हैं, गणधर के साथ उल्टा होता है, वह भावों को शब्द देते, शब्द भावों को शब्द देना गूंथना है, समझ में आ रहा? तुम लोग क्या समझ रहे? जैसे चौके में रोज आटा गूंथते हो, ऐसी वाणी सुन के गूंथ देते होंगे भगवान गणधर। भगवान के भावों को, भगवान के भाव श्रुत को जो द्रव्य श्रुत दिया करता है वह गणधर होता है। ये सामर्थ केवल गणधर के पास है, क्यों? और लोगों के पास क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास 63 रिद्धियां नहीं है। अभी रिद्धियों के वर्णन में आएगा बीज रिद्धि, बीज बुद्धि क्या होती है। जैसे बीज में जो किसान होता है ना, वो वृक्ष को देख लेता है, बीज कितना सा होता है, इमली का बीज इतना सा होता है, लेकिन जब अपन उसको जमीन पे डालते हैं तो बीज के दर्शन करते हैं या उसमें पेड़ के दर्शन करते हैं? बीज में पूरे वृक्ष के दर्शन कर ले, जो अंतर मुहूर्त में भगवान के ज्ञान को पूरे शब्दों की रचना दे दे वो गणधर भगवान हुआ करते। उनकी बीज रिद्धियों के बल पे होता है, समझ में आ रहा? रिद्धियां कैसे मिलती हैं? तप से, तपस्या करो रिद्धियां प्राप्त होंगी। देवों को तो बिना तप के मिलती हैं जन्मजात, अपने को मनुष्य को तपस्या से रिद्धियां प्राप्त होती, तो वह रिद्धियों के बल पे भगवान की वाणी को गूंथ देते हैं, भगवान की वाणी को शब्द दे देते हैं। अब देखना अर्थ किसका है? केवली भगवान तीर्थंकर का। शब्द किसके हैं? बोलो ना, खाना नहीं मिला क्या? शब्द किसने दिए? गणधरवन। अब केवलियों का अर्थ और गणधर भगवान के शब्द, इन दोनों को जो याद रखता है वह श्रुत केवली होता है, समझ में आ रहा? किसके शब्द हैं श्रुत केवली के पास? गणधर भगवान के। भाव किसके हैं? तीर्थंकर। दोनों को एज इट इज रखता है वह श्रुत केवली कहलाता है, समझो समझो। ये जैन धर्म है केवली गणधर श्रुत केवली। श्रुत केवली के बाद क्या होता है? श्रुत केवली के पास शब्द तो गणधर से मिल गए, अर्थ किससे मिल गया? भगवान से, वह श्रुत केवली हो गया। अब वो अंग पाठियों को देते हैं, अब अंग पाठियों में क्या होता है? जैसा श्रुत केवली ने बताया वैसे ही का वैसे ही रखते हैं, अपना तर्क नहीं लगाते। फिर अंग पाठी से किस पे आता है? साधारण आचार्यों पे। बोलो क्या करते हैं कि अब ये क्या करते हैं? शब्द और अर्थ तो ले लेते गणधर और तीर्थंकर के, और भावार्थ अपना लगा देते हैं, वो अंग पाठी होते हैं। और हम जैसे लोग ना भावार्थ लगा सकते ना अर्थ लगा सकते, जो लिखा है उसे पढ़ लेते हैं और अपनी बुद्धि से उल्टा सीधा लगाते रहते, समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? ऐसे गणधर भगवान इतने महिमावंत होते हैं, किस किस तीर्थंकर के कितने कितने गणधर अभी तुमने अर्घ चढ़ाए,
ऐसे गणधरों का जो ध्यान रखता है, ऐसे गणधरों की जो पूजा करता है, ऐसे गणधरों की जो वंदना करता है, आगे जाकर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे गणधर भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, 63 रिद्धियों से संपन्न गणधर भगवान, सब रिद्धियों का भी वर्णन चलेगा, 64 रिद्धियों से संपन्न अरिहंत भगवान, उनकी हम यहाँ पर विधान और पूजा। नहीं तो लोग पूछे भाई कहाँ गए थे, बोले जिन शरणम, क्या करके आए, बोले 64 रिद्धि विधान, बोले क्या होता है ये विधान, किसको अर्घ चढ़ाया है, क्या मालूम, ब्रह्मचारी बोल रहे थे, संगीतकार गा रहा था, हम यहाँ से चावल उठा के यहाँ रख रहे थे, बोले क्या हुआ, बोले बड़ा मजा आया, बोले क्या मजा आया, बोले खाना तो बहुत अच्छा था। अरे दत्तरे की पूजा करने गए, खाना बहुत अच्छा था, रुकने की व्यवस्था बोले वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा तीर्थ बन रहा है, अरे तुम करके क्या आए हो, बोले नहीं बड़ा मजा आया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, मुंबई के भी थे, सूरत के, अरे मूल मुद्दा बताओ तुम किस लिए गए थे। तो ये मालूम होना चाहिए कि हम गणधरों की पूजा करके आ रहे हैं, हम केवलियों की पूजा करके आ रहे हैं। पूछ ले कोई गणधर कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि को शब्द प्रदान करते हैं, वह गणधर होते हैं। शब्दों को अर्थ कौन देता है, तीर्थंकर भगवान अर्थ दिया करते हैं। श्रुत केवली कौन होते हैं, गणधर के शब्द तीर्थंकर का अर्थ जो सुनते हैं वह श्रुत केवली होते हैं। समझ में आ रहा, इतना सा अपने को नॉलेज होना चाहिए। आज के आचार नहीं, आज के आचार उनको पढ़ते हैं और पढ़ के तुम जैसे विद्वानों को समझाते हैं, है ना, तुम लोग विद्वान ही तो हो, तुमको तो सब आता है, फिर भी हम आज के आचार तुम्हें समझाते रहते। अब चाहे इधर से जाए इधर से निकले, इधर से जाए इधर से निकले, इधर से जाए वहीं बैठा रहे, निकले या नहीं निकले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। समझ में आ रहा, तो आचार्य की ड्यूटी है कि शिक्षा और दीक्षा देना। क्या काम है, तो दीक्षा तो इन लोगों को दे दी, अब तुम लोगों को क्या दे रहे हैं, शिक्षा, और वो हमें मानना नहीं है। रात्रि भोजन छोड़ दो, अरे महाराज फिर वही लफड़ा, इसलिए तो आहार नहीं देते हैं। एक आए बोले महाराज तुम कब से करने लगे, अरे तुम इनका मैं कोई पाप करने लगा, कब गलत काम करने लगा, अरे महाराज मजा नहीं आया, आहार तो देंगे हमने विधान करा, अरे विधान कराए तो कुछ करो भी तो, त्याग तपस्या लेकर जाओ, संयम लेकर के जाओ, संयमी की दुकान में आए हो, असंयमी लेकर के जाओगे तो कैसे कल्याण होगा, है? थोड़ा बहुत व्रत नियम संयम प्राप्त करो। भगवान तुम्हारे अर्घों के लिए पूज्य नहीं है, अपने संयम से व्रत से नियम से, संयम व्रत लेने से सम्मान बढ़ता है, इस लोक में यश कीर्ति मिलती है, परलोक में अच्छी गति प्राप्त होती है। देखो ये लोग जब तक नहीं बने थे तो यहाँ वहाँ बैठते रहते थे छिपे छिपाए से, अब महाराज बन गए तो कहाँ बैठ गए, छाती ठोंक के सामने बैठ गए, क्योंकि हम तो संयमी लोग हैं, असंयमी लोग नीचे बैठ गए। कल तक भैया जी आज महाराज आशीर्वाद दे दो, नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज, विचार कर ये किसकी महिमा है, ये व्रतों की महिमा है। हम लोग सुबह मूलाचार पढ़ते हैं, उसमें आता है कि व्रत लेने से, महाव्रत लेने से इस लोक में पूजा सत्कार मिलता है, सुख मिलता है, परलोक में, इस लोक में भी यश कीर्ति मिलती है, परलोक में भी उसे यश कीर्ति की प्राप्ति हुआ कर, लोग सम्मान करते हैं, लोग गुरु मान के पूजने लगते हैं, ये संयम की महिमा होती है। तो हम व्रत पूजा पाठ कर लें, लेकिन एक ग्रस्त को सप्त व्यसन का त्यागी होना चाहिए, ये तो कर सकते हो। क्या करें महाराज, सप्त व्यसन के नाम ही नहीं मालूम है, क्या त्याग करें, अब क्या बताएं। सप्त व्यसन का त्याग करो, भक्ष अवक्ष का ध्यान रखो, 5 उदंबर फलों का त्याग करो, 3 मकारों का त्याग करो, इतना एक ग्रस्त का संयम है, उसको आप जीवन में अपनाओ। रात्रि भोजन छोड़ो, दिन में खाना खाओ,
पानी छान कर पियो, जीवन का कल्याण होगा। वरना आए यहाँ घूम गए, तीन चक्कर लगा दिए, नारियल रख दिया, अर्थ जाने महाराज, भाव जाने महाराज, अपन को तो ऑटोमेटिक पुतले की तरह घूम घाम के चले जाना है। ऐसा नहीं करना है, एक एक पद्य को पढ़ो, मुख से उच्चारण करो, वो ही उच्चारण करे, यहाँ से मंत्र बोले, अरे तुम भी तो बोलो, दो दो लाइन तुम बोलो, तो ताकि आपके भाव लगे। जो समझ में नहीं आए अपने मन से पूछो इसका अर्थ क्या है, तो आके पूजा करना अपना सार्थक और सफल हो।